जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल अतुल टेक बाजार की ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों यहां पे रियलमी का FAQ एपिसोड 14 रिलीज हो चुका है। क्या कुछ खास है इस एपिसोड में, क्या कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, ये सभी मैं आज आप इसको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं Realme 2 और Realme C1 के लिए। तो यहाँ पे Realme 2 और Realme C1 के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पे जो मैनुअल कैमरा है वहाँ पे आपको Realme 2 और Realme C1 में OTA अपडेट मिलने वाला है मार्च 2019 को, और ये एक स्टेज रोल आउट होगा, इसलिए हो सकता है कि जो अपडेट मिलने में आपको देरी हो सकती है और आपको ये जो अपडेट है ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है Realme 2 और Realme C1 में आपको कैमरे में एक्सपर्ट मोड देखने को भी मिल सकता है और बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि Realme 2 और Realme C1 के कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है, तो कंपनी यहां पे अपडेट बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाली है। अगला क्वेश्चन जो कम्युनिटी में पूछा गया है वो पूछा गया है Realme की डिवाइसेस के बूट लोडर अनलॉक और कर्नल सोर्स के रिलीज़ के बारे में। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि Realme ने Realme 2 Pro और Realme 1 के लिए पहले ही OTA अपडेट जारी कर दिया है बूट लोडर का, और यहाँ पे जो Realme 3 हमें मिलता है वो आउट ऑफ द बॉक्स बूट लोडर अनलॉक मिलता है। यहाँ पे आप GCam यूज़ कर सकते हैं और अपनी कस्टम रोम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अगर ओल्डर डिवाइस के बारे में बात करें जैसे Realme C1, Realme U1 और Realme 2 को, तो यहाँ पे दोस्तों उन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट हाफ है 2019 का, मतलब जून से पहले आपको Realme की सारी डिवाइसेस में ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो जो आप बूटलोडर है वो अनलॉक हो जाएगा, और Realme U1 में भी बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, मैं एक उसका अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो Cam2 API के बारे में पूछा गया है कि Realme 2 और 2 Pro में क्या Cam2 API का सपोर्ट मिलेगा Camera2 API का। तो यहाँ पे Realme ने बोला है कि जो दोनों भी डिवाइस है Realme 2 और Realme 2 Pro दोनों को भी कंसीडर किया जा रहा है, और कुछ समय बाद ये फीचर इनमें इनेबल कर दिया जाएगा। आपको मैं बता दूँ कि Realme 1, Realme 3 और Realme U1 के लिए यहाँ पे Cam2 API का अपडेट बहुत जल्दी आने वाला है। ये जो डिवाइस जिसके पास है वो अपडेट कर सकते हैं, गूगल कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है Realme 2, 2 Pro में एपिसोड 4 में माधव सर सेठ ने बोला था कि Realme 2 Pro में शायद नहीं आएगा, बट उन्होंने बाद में फिर से कंसीडर किया। तो यहाँ पे 2 Pro वालों के लिए भी खुशखबरी की बात है, बहुत जल्दी आपको ये फीचर। यहाँ पे Cam2 API के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन पूछा गया कि क्या Realme 1 और Realme U1 सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे Realme ने बोला है जी हाँ बिल्कुल, Realme 1 और Realme U1 में Cam2 API का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, और Android Pie अपडेट के साथ ही यहाँ पे फर्स्ट हाफ ऑफ 2019 को ये अपडेट आपको इशू कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जो है ये अप्रैल या मई में आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा Realme 1 और Realme U1 में। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्रोमा बूस्ट के बारे में। जिस लोगों को नहीं पता क्रोमा बूस्ट क्या होता है तो आप मेरे ओल्ड वीडियो देख सकते हैं। क्रोमा बूस्ट एक ऐसा फंक्शन है जो Realme 3 के साथ रिलीज़ किया गया है। Realme 3 डिवाइस में सबसे पहले ये जो फंक्शन है अवेलेबल कराया गया ये फीचर, और इन फ्यूचर आपको Realme 2 Pro में भी ये फीचर देखने को मिलेगा क्रोमा बूस्ट का। तो यहाँ पे Android Pie का जो अपडेट आएगा फर्स्ट ऑफ अप 2019 में, तो ये आपको ये अपडेट 2 Pro में देखने को मिलेगा, और जो बची हुई डिवाइसेस है उनको नाराज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फीचर्स है धीरे धीरे सभी डिवाइस में अवेलेबल करा दिया जाएगा Realme की तरफ से। यहाँ पे अगला क्वेश्चन नाइट स्केप मोड के बारे में पूछा गया है। जिन लोगों को नहीं पता नाइट स्केप मोड क्या होता है, तो ये भी फीचर Realme 3 के साथ डेब्यू किया गया है, Realme 3 में पहले आया है। तो आपको नहीं पता तो आप मेरे ओल्ड वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे जो फोटोज़ है नाइट में बहुत ही क्लियर आती है दोस्तों, और यहाँ पे ये जो अपडेट है Realme 1, Realme 2 Pro और Realme U1 के यूज़र्स को मिलने वाला है नाइट स्केप मोड का 2019 में Android Pie अपडेट के साथ, और बाकी की जो डिवाइस है 2 और C1 आप लोगों को भी ये अपडेट मिलेगा। यहाँ पे कंपनी कंसीडर कर रही है और जल्द ही ये अपडेट आपको भी इन्हीं डिवाइसेस के साथ मिल जाएगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है जो आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे Realme 2 की तरफ से जो Cam2 API प्रोवाइड किया जाएगा वो OTA अपडेट के थ्रू आएगा। तो यहाँ पे आपको बूटलोडर जो है अनलॉक करना पड़ेगा इस फीचर्स के लिए, या फिर ये विदाउट बूटलोडर अनलॉक
के द्वारा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि जो सपोर्टेड डिवाइस है वो आपको कुछ दिन बाद अवेलेबल करा देंगी, कौन कौन सी डिवाइस है जो ये जो फीचर है विदाउट बूटलोडर अनलॉक के सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे बहुत जल्दी आपको अपडेट मिलने वाला है Camtoo API का। और दोस्तों Realme जो है वो ट्राई कर रही है कि ये जो फीचर है बिना बूटलोडर अनलॉक किए आप अपने मोबाइल में यूज़ कर सको, क्योंकि बूटलोडर अनलॉक करने की जो प्रोसेस है वो बहुत रिस्की है। तो यहाँ पे विदाउट बूटलोडर अनलॉक के भी आप Camtoo API का यूज़ कर सकते हो और गूगल कैमरा इंस्टॉल कर सकते हो, ऐसी जो है कंपनी का बोलना है। और बहुत जल्दी आपको ये अपडेट मिलने वाला है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है जो गूगल क्रोम के रिगार्डिंग है। यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे गूगल क्रोम में कोई प्रिंट ऑप्शन नहीं है, तो कंपनी ने बोला है कि ये प्रिंट ऑप्शन है, वहाँ पे आप अगर शेयर के ऑप्शन में जाओगे तो प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। मुझे ये मतलब मैं इसका यूज़ नहीं करता हूँ, तो अगर आपको आप यूज़ करते हो और आपको जानना है तो आप वहाँ पर शेयर के ऑप्शन में चले जाइएगा, आपको प्रिंट का ऑप्शन भी अवेलेबल वहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे कोई Realme का ऑफिशियली सर्विस सेंटर अवेलेबल है इंडिया में, तो यहाँ पे Realme ने बोला है कि जी हाँ, फर्स्ट सर्विस सेंटर यहाँ पे खुल गया है दिल्ली में, फलाना फलाना जगह पे। आप इसका एड्रेस आपको दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, अगर आसपास आप दिल्ली के होंगे तो आप इस एड्रेस का यूज़ कर सकते हैं। नीचे एक लिंक दी है, वहाँ पे भी Realme के बहुत सारे सर्विस सेंटर की लिस्ट है, तो आप ये कम्युनिटी में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम प्ले स्टोर से कोई ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो वो नोटिफिकेशन सेट में उसका परसेंटेज दिखाता है कि नहीं ColorOS 6 के रिगार्ड से, ColorOS 6 में। तो यहाँ पे Realme ने बोला है कि अभी नहीं दिखाता है, बट इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया जाएगा OTA अपडेट में, जो कि ColorOS 6 में आपको अपडेट मिलेगा। ColorOS 6 में बहुत सारे अपडेट्स नहीं मिले हैं जैसा कि कंपनी ने बोला था, तो बहुत सारे अपडेट्स अभी आने बाकी हैं ColorOS 6 में, तो ये प्रॉब्लम भी वहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ColorOS 6 के रिगार्डिंग, की जो ColorOS 6 है वो ओल्डर डिवाइस में अवेलेबल होगा कि नहीं। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि जो फर्स्ट हाफ है 2019 का, वहाँ पे ColorOS 6 आपको सभी डिवाइसेज में देखने को मिल जाएगा। बट एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि क्या जो वर्ज़न मिलेगा वो बेटा टेस्टिंग वर्ज़न होगा, तो यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि जी नहीं, यहाँ पे बेटा टेस्टिंग वर्ज़न नहीं होगा, यहाँ पे स्टेबल वर्ज़न आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो 2019 के हाफ में आप सभी को स्टेबल वर्ज़न मिल जाएगा ColorOS 6 का। यहाँ पे दोस्तों एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो क्रोमा बूस्ट है और सुपर विविड मोड है, जैसे कि सुपर विविड मोड जो हमें Realme 1 में मिलता है, Realme U1 में मिलता है, और क्रोमा बूस्ट का जो फीचर है वो Realme 3 में देखने को मिलता है, तो इसमें क्या डिफरेंस है। तो सुपर विविड मोड जो है दोस्तों, इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो भी बना के लेके आऊँगा दोनों के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर सुपर विविड मोड जो है दोस्तों, वो AI टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो कलर रहते हैं पिक्चर के उसको इम्प्रूव कर देता है, ब्राइट कर देता है, और वो पिक्चर जो है नई दिखने लगती है। और जो क्रोमा बूस्ट है दोस्तों, क्रोमा बूस्ट की जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी अलग है, वो सारी पिक्चर को डायनामिक रेंज में लेता है और जो कलर सेचुरेशन है, लाइट्स है, उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। तो यहाँ पे Realme की तरफ से ये बोला गया है कि जो क्रोमा बूस्ट है वो सुपर विविड मोड का अपग्रेड वर्जन है। तो यहाँ पे इन दोनों के रिगार्डिंग मैं वीडियो आपको लेके आऊँगा, आपको बताऊँगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है विथ प्रूफ के साथ, पिक्चर के साथ। तो यहाँ पे जो ये फीचर है दोस्तों, दोनों में अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, तो ये जो फीचर्स है बहुत जल्दी आपके ओल्डर जो डिवाइसेस है उसमें मिलने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया कि Realme 3 जो डिवाइसेस वो FM रेडियो के साथ आती है, उसमें सपोर्ट मिलता है कि नहीं। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है Realme 3 के वीडियोस में कि Realme 3 में जो है FM रेडियो का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे बस Realme 2 Pro ही है, पता नहीं उसमें ऐसा कौन सी चीज़ है जो हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है जिसमें FM रेडियो का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे Realme 3 में आपको ये सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों हम सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है Realme थीम स्टोर के बारे में। तो यहाँ पे Realme ने बोला है कि जो Realme थीम स्टोर है उसका बेटा टेस्टिंग जो वर्ज़न आएगा एंड ऑफ अप्रैल 2019 को आएगा। यहाँ पे Realme ने एक और बात बोली थी कि जो ColorOS आएगा उसके साथ आपको Realme थीम स्टोर देखने को मिल जाएगा, Realme फॉन्ट चेंज देखने को मिल जाएगा, बट ColorOS 6 में आप Realme 3 में ये सब हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको अगर फॉन्ट चेंज करना है तो दूसरी ऐप्स का यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे, इसीलिए ये जो है डिले हो चुका है पता नहीं क्यों। तो अप्रैल 2019 में आपको Realme का थीम स्टोर देखने को मिल जाएगा, ऐसा कंपनी का बोलना है। यहाँ पे Realme 3 के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या Realme 3 को अगर हमें अपग्रेड करना है, एक्सचेंज करना है,
तो यहाँ पे रियलमी ने बोला है कि आपको करना है तो आप फ्लिपकार्ट जो है उसकी ई कॉमर्स वेबसाइट है जो पार्टनर है रियलमी का, आप वहाँ पे जाके इस लिंक के थ्रू जो है उसके टर्म्स एंड कंडीशन में आप जो है अपनी डिवाइस को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर एक्सचेंज करना है तो आप कर सकते हैं। रियलमी 3 की अभी तक 3 लाख डिवाइस बिक चुकी है ऐसा कंपनी का बोलना है। यहाँ पे नाइट स्केप के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नाइट स्केप का फीचर जो रियलमी 3 में अभी अभी अवेलेबल कराया गया है तो यहाँ पे वो EIS का सपोर्ट ज़रूरी है या नहीं इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि नहीं, इस चीज़ के लिए नाइट स्केप के लिए जो EIS का सपोर्ट ज़रूरी नहीं है। ये एक दूसरी टेक्नोलॉजी पर काम करता है, AI इमेज एनालिसिस पे, जो कि प्रोड्यूस करता है कुछ ज़्यादा ही लाइटिंग और यहाँ पे लो लाइट कंडीशन में जो है बहुत अच्छी इमेज खींच के आ जाती है। अगर आपको देखना होगा नाइट स्केप के बारे में तो आप मेरे ओल्डर वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी रियलमी FAQ 14 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए जान दोस्तों, बोलते रहिए वंदे मातरम।